नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको बहुत खास जानकारी देने वाले हैं। आपको हम इस वीडियो के अंदर बताएंगे कि कच्चे प्याज के फायदे आपको क्या होते हैं। दोस्तों, कई सारे लोग होते हैं जो प्याज खाते नहीं हैं, प्याज का नाम आता है तो वो अपना मुंह बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप यकीन मानने लग जाएंगे कि आपको प्याज अपने खाने में इस्तेमाल करनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन जरूर दबाएगा जिससे कि आपके पास हमारे वीडियो से नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। दोस्तों, प्याज काटना एक बहुत ही बड़ी मुश्किल का काम होता है, बहुत ही बड़ी समस्या होती है। लेकिन प्याज से होने वाली इस कठिनाई को भूल जाएं तो प्याज एक सेहत का और बहुत ही खूबसूरती का खजाना होता है। प्याज में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है। इसके अलावा इसमें एंटी एलर्जिक, एंटी ऑक्सीडेंट और एंटी कार्सिनोजेनिक गुण भी होते हैं। दोस्तों, प्याज में भरपूर मात्रा में विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी भी पाया जाता है। इसमें आयरन, पोटेशियम, फॉलेट जैसे खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। दोस्तों, प्याज सल्फ्यूरिक कंपाउंड्स और फ्लेनोइड्स का खजाना होता है जो कि काफ़ी शरीर के लिए फायदेमंद होता है। कच्चे प्याज को इस्तेमाल करने के कई तरीके होते हैं। कुछ लोग सलाद के रूप में खाते हैं तो कुछ लोग इसे पिज्जा बनाने डाल के पसंद करते हैं खाना खाने के लिए, कुछ लोग इसको फ्राई करके खाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको हम ये बता देते हैं कि प्याज खाने के कई सारे फायदे होते हैं और वो मैं आपको फ़ायदे बताने वाला हूँ तो आप ऑटोमेटिकली प्याज को इस्तेमाल करने लग जाएंगे अपनी डाइट के अंदर। तो सबसे पहले हम फायदे की बात करते हैं, वो ये है कि प्याज में मौजूद विटामिन सी होता है और कैल्शियम ओरल हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होता है क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी और कैल्शियम भरपूर मात्रा पाया जाता है जो हमारी ओरल हेल्थ होती है उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अगला जो फ़ायदा है दोस्तों, वो ये है कि प्याज में कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कैंसर से बचाव में सहायक होते हैं। दोस्तों, जिसको कैंसर हो चुका है उसका इलाज नहीं हो सकता है प्याज से, लेकिन अगर आप पहले से डाइट में अगर आप प्याज का इस्तेमाल करेंगे तो कैंसर के लिए बनने वाले जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, उनसे आप लड़ सकते हैं, उनसे आप बीमारी से बच सकते हैं। तो इसलिए आपको प्याज का सेवन रेगुलर करना चाहिए। अगला जो फ़ायदा है वो ये है, कच्चा प्याज खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बूस्ट होती है, यानी कि जो आपको इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो बूस्ट होता है क्योंकि प्याज के अंदर ऐसे कई सारे गुण होते हैं जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, जिससे कि आप बीमारियों से लड़ सकते हैं, बैक्टीरिया से लड़ सकते हैं और आपका शरीर फिट रहेगा, स्वस्थ रहेगा। अगले फायदे की बात करते हैं दोस्तों, वो ये है, प्याज का इस्तेमाल ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, यानी कि जिन्हें डायबिटीज़ की समस्या है उनके लिए भी ये फायदेमंद होता है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत ही काफ़ी फायदेमंद होता है। दोस्तों, अब हम आखिरी फायदे की बात करते हैं। दोस्तों, फायदे बहुत होते हैं लेकिन मैं इसके अंदर वीडियो के अंदर सिर्फ 5 फायदे बताया है। 5वां फायदा ये है कि कच्चे प्याज के इस्तेमाल से बाल लंबे होते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर कर कच्चे प्याज है उसको आपको बाल उसका रस आपने बालों में भी लगाया होगा, लेकिन आप अगर कच्ची प्याज को खाते हैं तो इससे क्या होगा, आपके जो स्कैल्प होते हैं, बालों की जो जड़ें होती हैं वो मजबूत बनती हैं, जिससे आपके बाल ऑटोमेटिक तरीके से काले होते हैं, झंडापन हो जाता है और आपके बाल लंबे हो जाते हैं। तो दोस्तों, प्याज खाने के भी फायदे बताए मैंने आपको। आपको मेरे वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएगा जिससे कि आपके पास हमारे वीडियो से नोटिफिकेशन पहुँचते रहें। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।